क्या फ्रेंड्स आप भी इंस्टाग्राम में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना चाहते हो या अपनी डेट ऑफ बर्थ को बदलना चाहते हो तो किस प्रकार बदल सकते हो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं फटाफट आपका बिना टाइम गवाए। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको पास में घंटी दिख रही है उस घंटी को आपको और पर प्रेस कर देना ताकि मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लाऊंगा गाइस तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा कोई चार्ज नहीं कटेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है, यानी इंस्टाग्राम अकाउंट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस आपके यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद अपनी प्रोफाइल आपको क्लिक कर लेना। तो फ्रेंड जैसे अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस आपके यहाँ पर शो हो जाएगा। वो फ्रेंड अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो फॉलो जरूर कर लेना, आपको यहाँ पर मेरी आईडी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। उसके बाद मैं आपको मेरे रियल आईडी से नहीं बताऊंगा, मेरे पास एक फेक आईडी है, मैं आपको फेक आईडी का उपयोग कर लेता हूँ। जैसे मैं फेक आईडी में ट्रांसफर कर लेता हूँ, ट्रांसफर करने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना चाहते हो, उसको मिटाना चाहते हो तो भी कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक फेक आईडी आ चुकी है, उसके बाद आपको देख रहा हूँ कॉनम के थ्री डॉट का आइकन, आपको देख रहा हूँ थ्री डॉट का आइकन, उसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे थ्री डॉट का आइकन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको देखा सेटिंग और प्राइवेसी, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और फ्रेंड्स आपको दिखा दो मेरे पास ये नए इंटरफेस आ चुका है, आपके पास नए इंटरफेस नहीं आ रहा है तो आपको इंस्टाग्राम को अपडेट कराना। यदि आप इंस्टाग्राम को अपडेट कर लोगे तो इंस्टाग्राम में नया इंटरफेस आ जाएगा। और आपको इंस्टाग्राम अपडेट करने के बाद ही आपको इंस्टाग्राम में नए इंटरफेस नहीं आ रहे हैं तो मेरे को नीचे कमेंट कर बता सकते, मैं आपको पुराने इंटरफेस बताऊँगा कि हम डेट ऑफ बर्थ को कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे इंटरफेस करके आपको दिख रहा है अकाउंट सेंटर, उस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे अपने अकाउंट सेंटर पर आपको क्लिक करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको दिख रहा पर्सनल इन्फॉर्म, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको दिख रहा डेट ऑफ बर्थ, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे मेरे पास मेरी आपको डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, मेरी रियल डेट नहीं है, मेरे को आप बर्थडे विश मत करना, मेरे आपके रियल डेट नहीं है। तो गाइस आपको दिख रहा होगा मेरे पास 9 जून 2000 को यहाँ पर मेरी डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, मैं इसको आप चेंज करना चाहता हूँ तो गाइस आपको दिख रहा एडिट, उस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे एडिट पर क्लिक करोगे तो गाइस आपको इसको चेंज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको 10 जून करना चाहता हूँ तो मैं आपको 10 जून कर लेता हूँ। 10 जून करने के बाद आपको दिख रहा सेट, उस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे सेट पर क्लिक करोगे तो गाइस आपको दिख रहा सेव का आइकन, उस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे सेव का आइकन पर क्लिक करोगे वो अपनी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको कन्फर्म कर लेना। जैसे मैं आपको कन्फर्म कर लेता हूँ, कन्फर्म होता है आपको दिख रहा होगा मेरी आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज हो चुकी आसान तरीके से। तो क्या इसी प्रकार मैंने डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना चाहते हो तो इस प्रकार कर सकते हो। तो चलिए गाइस ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट कर जरूर बताना। और फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।